हेलो हम डिस्कस कर रहे थे टेरेडोफाइट्स टेरेडोफाइट्स में हमने डिस्कस किया कि आ, उनके पास एक लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर है उस लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर में कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं और इन स्पोरेंजिया के अंदर हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम स्पोर्स के नाम से जानते हैं नाउ अगर ये सारे स्पोर्स एक ही टाइप के हों तो इस तरह के प्लांट को हम होमोस्पोरस कहते हैं लेकिन अगर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बने माइक्रोस्पोर्स छोटे वाले मेल गिमीट एंड मेगा स्पोर्स जो साइज़ में थोड़े से बड़े हैं और फीमेल गिमीट के नाम से कहलाएंगे तो इस तरह के पौधों को हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं नाउ बिकॉज टू डिफरेंट स्पोर्स आर फॉर्म्ड तो माइक्रोस्पोर विल फॉर्म द मेल गमीटोफाइट इस तरह का स्ट्रक्चर एंड द मेगा स्पोर विल फॉर्म द फीमेल गेमीटोफाइट तो दो अलग तरह के गेमीटोफाइट फॉर्म होंगे मेल एंड फीमेल एंड द मेल गमीटोफाइट विल हैव द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल गमीटोफाइट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा द मेल गमीटोफाइट विल रिलीज द मेल गमीट जिसे हम एंथेरोजॉयड कहते हैं और फीमेल गमीट के अंदर हमारा एग फॉर्म होगा सो so, ये जो मेल गमीट है ये फीमेल गमीट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा नाउ इस प्रोसेस में सीड हैबिट की डेवलपमेंट होती है सीड हैबिट एवोल्यूशनरी एक हायर स्टेज है तो हेट्रोस्पोरोस्टेरोफाइट एवोल्यूशन में हायर लेवल के प्लांट्स जाते हैं सीड हैबिट डेवलप करने के जो कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मेल एंड फीमेल ये एडवांसमेंट है प्लांट किंगडम में इससे पहले एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे और अगर आप जो फ्लावर देखते हैं या एवोल्यूशनरी सबसे हाई एंजियोस्पर्म में देखते हैं तो उनके पास मेल और फीमेल गमीट प्रेजेंट होता है सेकेंड गमीटोफाइट रिड्यूस हो जाता है आपका जो स्पोरोफाइट प्लांट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है उसका लाइफ साइकिल और गमीटोफाइट यानी कि प्लांट है आपका थैलस फॉर्म में वो डिक्रीज़ हो जाता है उसकी लाइफ स्टेज काफ़ी छोटी हो जाती है जैसे कि हायर में होता है उसके अलावा इन सी टू ऑफ स्पोर्स ये जो स्पोर्स होते हैं आपके ये आपके फीमेल uh, गमीटोफाइट के अंदर ही जर्मिनेट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द आर्किगोनियम और आर्किगोनियम के अंदर मेल गमीट एंटर करके यहीं पे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और जो आपका मेगा स्पोर है यहाँ पर ये जो जैगोट बनता है आपका ये जैगोड फीमेल बॉडी में ही रिटेन होता है और फाइनली दिस विल बी कवर्ड बाई अ प्रोटेक्टिव कवर विच विल भी नोन एज अ सीड तो जर्मिनेशन का स्पोर का जर्मिनेशन इन सीटू यानी इन साइड द बॉडी होता है उसके अलावा जो मेगा स्पोर है यानी कि जाइगोट है और जो फीमेल गमीट है वो फीमेल गमीटो फाइट के अंदर ही रिटेन होती है बॉडी से बाहर नहीं निकलती है तो वो सी प्रोटेक्टिव कंडीशन देगी तो ये फाइनली सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ना सीड एवोल्यूशनरी हायर स्टेज इसीलिए है क्योंकि सीड कंडीशन में एम्ब्रियो uh, को एक प्रोटेक्टिव एरिया भी मिलता है और उसे फ्यूचर के लिए फ़ूड भी वहाँ पर स्टोर हो जाता है तो दिस इज़ एन एवोल्यूशनरी मोर डेवलप्ड स्टेज इन द प्लांट किंगडम नाउ टेरोफाइटा को हम फर्दर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं लाइक यू हैव द साइलोफाइटा लाइकोफाइटा स्वीनोफाइटा एंड टीरोफाइटा हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे साइलोफाइटा में अक्सर लीफ प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये होमोस्पोरस होते हैं दे आर ऑल होमोस्पोरस और इसमें डाइकॉटोमस ब्रांचिंग होती है ये देखिए एक स्टेम इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करता है दिस इज कॉल्ड डाइकॉटोमस ब्रांचिंग इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है साइलोटम आपने शायद इस तरह के प्लांट्स देखे होंगे अगला है हमारा लाइकोफाइटा जिसे क्लब मॉस और स्पाइक मॉस भी कहते हैं इसमें प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएटेड है अक्सर इसमें स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉबेलाई या कोन्स बनाते हैं तो आपने कभी कभी देखे होंगे इस तरह से और ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों हो सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल इसलैजीनेला ये आ, आपकी दीवारों पे ग्रो करता है उसके बाद आता है हमारे पास फिनोफाइटा इसे हॉर्स टेल भी कहते हैं और इसकी एक ही इंडिविजुअल हमारे पास है इक्वसिटम बाकी सारे फॉसिल्स हैं इसमें भी जो आपके स्पोरोफिल्स हैं वो इस तरह की कोन या स्ट्रॉबेला फॉर्म करते हैं राइट right? ये होमोस्पोरस होते हैं अक्सर और इसके लीफ बहुत ही माइन्यूट और स्केल के फॉर्म में होते हैं नज़र नहीं आते हैं अक्सर लीफ में जो स्टेम है उसमें इस तरह के नोड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द फाइनल इज टेरोफाइटा टेरोफाइटा बहुत कॉमन है इनको फर्नस भी कहते हैं इनके लीफ बहुत बड़े बड़े होते हैं और पिनेटली डिवाइडेड होते हैं दैट मीन वन लीफ हैज स्मॉल लीफलेट्स दिस इज़ कॉल्ड पिनीट डिवीजन इसमें स्टेम अक्सर ज़मीन के नीचे होता है जिसे राइजोम कहते हैं और हॉरीजोंटल होता है यंग लीफ सरसिनेट कंडीशन दिखाते हैं यानी कि इस तरह से कॉइल्ड होते हैं यंग लीफ दिस इज नोन एज सरसिनेट विनेशन इसमें स्पोरेंजिया लीफ के नीचे प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ राउंड स्ट्रक्चर जिसे हम सोराय कहते हैं या फिर स्पोर्स एक फ्रूटिंग बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पोर कहते हैं ओके कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास टेरिस uh, तो आज के लिए इतना ही करते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे